Good morning student, welcome to the TSN online class. Today I will explain you part of chapter 10 and part है आपका second, ठीक है. chapter 10 का हम part second करेंगे बच्चों. इसका first part हमने कर चुके हैं previous video में, जिसमें कि हमने हमारे mouth और teeth और tongue के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, जिसमें टीथ और टंग के बारे में हमने अच्छे से समझा था कि भाई टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, उनके नेम क्या होते हैं और टंग कैसी होती है, उसके बारे में हमने समझा था. आज हम इसी चैप्टर 10 का पार्ट सेकंड कर रहे हैं, जिसमें कि बीक के बारे में हम समझेंगे. देखिए बच्चों, बीक मीन्स होता है चोंच. आप भी समझते हैं बीक मीन्स होता है बच्चों चोंच, ठीक है. चोंच किसके होती है? बीक बर्ड्स के, है ना, सारी बर्ड्स के बीक होती हैं बच्चों. अब ये बच्चों बीक भी उसी तरह से वर्क करती है जिस तरह से हमारा माउथ वर्क करता है. जैसे ह्यूमन बींग के मुंह जो काम करता है, माउथ जो वर्क करता है, जैसे बोलने में, खाने में, है ना, खाने पीने में, उसी तरह से बर्ड्स के जो बीक होती है वो भी वही वर्क करती है ना. एक तो उनके बोलने में यूज़ आती है, इसके अलावा वो कुछ भी खाते पीते हैं तो अपनी बीक्स के थ्रू करते हैं. फाइन, अब यहाँ इस पैराग्राफ में आपको बताया बच्चों कि बीक अलग अलग पक्षियों के, अलग अलग बर्ड्स की बीक भी अलग अलग होती है. उनके शेप और साइज भी चेंज होता है, उनका शेप और साइज भी चेंज होता है ना. जैसे कुछ बर्ड्स की बीक बिल्कुल छोटी होती है ना, छोटी और पतली नुकीली होती है, और कुछ बर्ड्स की बीक जो होती है वो चौड़ी होती है, बड़ी होती है साइज में, लंबी भी होती है ना. तो डिफरेंट टाइप्स की बीक्स यहाँ पे होती है. फाइन, चलिए इसी में नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसके बारे में. यहाँ दिया टाइप्स ऑफ बीक. टाइप्स ऑफ बीक बच्चों मतलब कि बीक कितनी तरह की होती है, जिसमें फर्स्ट दिया है चिजलिंग बीक. वुड पीकर हैज़ ए शार्प स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बीक. इट यूजेस इट्स बीक टू पीक एट द वुड एंड मेक होल्स इन द ट्रंक, ट्री ट्रंक, फॉर मेकिंग इन इट्स नेस्ट. इट ऑल्सो कैचेज इंसेक्ट प्रेजेंट इन द वुड विथ इट्स बीक. देखिए बच्चों, सबसे पहले बताया हमको चिजलिंग बीक के बारे में समझते हैं. चिजलिंग बीक जो होती है बच्चों वुड पीकर में पाई जाती है. आप वुड पीकर मीन्स समझते हैं? वुड पीकर बच्चों एक पक्षी होता है जिसे कि हम हिंदी में कठफोड़ा भी बोलते हैं, है ना. आपने देखा होगा कठफोड़ा जो कहलाता है वुड पीकर, उसकी बीक बताई बच्चों वो एकदम शार्प होती है ना, बहुत शार्प होती है, स्ट्रांग होती है साथ में, और लंबी भी होती है, लॉन्ग भी होती है ना. उसकी बीक इतने इस तरह की शार्प, स्ट्रांग और लॉन्ग होती है जिससे कि वो पेड़ के जो स्टेम होते हैं, मोटे मोटे जो तने होते हैं स्टेम, उसमें आराम से वो होल कर लेता है. उसको कंटिन्यूस वो टक टक करके उसको तोड़ता रहता है अपनी शार्प बीक से, और कुछ समय बाद उसमें जब होल हो जाता है तो वो उसमें अपना नेस्ट बना लेता है. नेस्ट बना के वो उसमें रहने लग जाता है. साथ में वो अपने खाने पीने की चीज़, जैसे वो ये इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये वुड पीकर जो होता है बच्चों वो इंसेक्ट भी जो उसके फूड होता है उसको वो इजीली उस बीक के थ्रू वो आराम से खा सकता है. फाइन, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट इसमें बीक का टाइप दिया है. सेकंड पॉइंट है स्टेकी बीक. देखिए स्टेकी बीक बच्चों इट मीन्स होता है कि चिपचिपी, एक तरह से चिपचिपी बीक होती है. मतलब ये कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिसमें कि स्टेकी बीक होती है इस तरह की, वो अंदर से थोड़ी सी चिपचिपी होती है, मतलब चिपकने वाली होती है ना. तो ये जो स्पैरो आपने देखी बच्चों, छोटी-छोटी जो चिड़ियाँ होती है जो डेली हमारे घर पर आती है, हमारे घर के आसपास हमें देखने को मिलती है स्पैरो, उनकी ये बीक होती है. इस टाइप की बीक, स्टेकी बीक उनमें पाई जाती है ना. वो बीक कैसी होती है? स्मॉल होती है और ब्रॉड होती है ना. वो छोटी होती है और थोड़ी ब्रॉड चौड़ी होती है, और वो अंदर से स्टिकी होती है जिसकी वजह से वो अपने जो खाने की जो चीज़ होती है, अपना जो फूड होता है उसको आराम से उसमें पकड़ लेती है, आराम से उसको खा लेती है, अपने मुंह में ले लेती है, और उसके बाद वो आराम से उसे चबा के खा जाती है. फाइन, स्टिकी बीक के बारे में आपको समझ में आया. नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पॉइंट, शिफ्टिंग बीक. बच्चों शिफ्टिंग बीक जैसे कि मैं आपको रीड करके बता रही हूँ. डक हैज़ ए फ्लैट ब्रॉड बीक विथ स्मॉल होल्स ऑन बोथ साइड्स. व्हेन इट पिक्स अप द फूड फ्रॉम वाटर द होल्स इन इट्स बीक शिफ्ट द मड एंड द वाटर लीविंग द फूड बिहाइंड. देखिए ये जो स्पिटिंग बीक जो होती है बच्चों ये डक में पाई जाती है ना. बतख आपने देखी होगी, डक की बीक कैसी होती है? चौड़ी सी, ब्रॉड होती है ना, चौड़ी और ब्रॉड सी होती है, फ्लैट भी होती है इस तरह की, बिल्कुल थोड़ी सी स्लोप ली भी होती है, फ्लैट और स्लोप ली भी होती है. और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसकी बीक के दोनों साइड में होल होते हैं. उसकी बीक के दोनों साइड क्या होते हैं बच्चों? होल होती है. तो डक कहाँ रहती है आप समझिए, आप डक रहती है पॉन्ड में, है ना, तो पानी के अंदर रहती है. तो जब वो पानी में से अपने इंसेक्ट, अपने भोजन खाती है, अपने कीड़े पकौड़े जो उसमें से पानी में से ढूंढ के खाती है वो, तो वो पानी के अंदर से जब किसी इंसेक्ट को पकड़ती है,
ठीक है, अपनी बीक के थ्रू जब वो पकड़ती है आराम से, तो जो उसके होल होते हैं बच्चों दोनों साइड के, बीक के जो दोनों साइड होल होते हैं, वो इजीली वो उसमें खुल जाते हैं, उसके जो पानी बीक में जाता है तो वो उसको पानी के अंदर जो मड वगैरह होता है, जैसे जो कचरा गंदगी वगैरह होती है या पानी में से कचरा वगैरह होता है, तो वो उस होल के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, वो उसके मुँह में अंदर नहीं जा पाता है, समझे। तो इस वजह से उन डक के जो बीक में होता है दोनों साइड होल होते हैं। फाइन, ये हो गई आपकी शिफ्टिंग बीक। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बच्चों टियरिंग बीक। देखिए बच्चों, टियरिंग बीक बच्चों जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनमें पाई जाती है। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स वो होते हैं बच्चों जो मांसाहारी होते हैं, है ना, जो मतलब कोई इंसेक्ट्स से या जो कोई एनिमल्स जैसे कोई मर जाता है तो उनको वो नोच के खाते हैं, मतलब उनको वो अपना भोजन बनाते हैं, है ना, तो वो होते हैं फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। इसके साथ ही इनकी बीक कैसे होती है, टियरिंग बीक होती है। अब टियरिंग बीक किन में पाई जाती है, देखिए आउल, ईगल, वल्चर्स जो होते हैं बच्चों उनमें टियरिंग बीक होती है। ये कैसी होती है बच्चों, ये बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, साथ में कर्व्ड होती है, एक तरह से कर्व्ड होती है, उनका शेप जो होता है एक कर्व्ड लिया हुआ होता है, इस एक स्लोप डाउन सा होता है, इस तरह की उनकी बीक होती है। फाइन, नेक्स्ट बीक है बच्चों क्रैकिंग बीक। क्रैकिंग बीक बच्चों कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे पैरट वगैरह, हैपीकॉक वगैरह है, इनमें एक तरह से क्रैकिंग बीक पाई जाती है। आपने देखे होंगे पैरट, तो आप घरों में भी देखते हैं। अब पैरट के फूड क्या क्या होते हैं बच्चों, ग्रीन चिली और रेडिस, कैरेट वगैरह है, साथ में नट्स, फ्रूट्स भी खाते हैं वो। नट्स जो नट्स होते हैं बच्चों, आप जानते हैं नट्स थोड़े से हार्ड होते हैं, है ना, जो हम कहते हैं जिसको कि बादाम वगैरह, काजू वगैरह, अखरोट वगैरह जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब उस हार्ड चीज़ को खाने के लिए कैसी भी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। जो ये पैरट वगैरह जो बर्ड्स होते हैं बच्चों, इनकी बीक इस तरह की होती है, कर्व्ड ली हुई होती है, और इस तरह से होती है कि वो ये नट्स वगैरह, फ्रूट्स, नट्स जो होते हैं इनको ईजिली वो उसको बाइट कर सकते हैं और साथ में उनको आराम से च्यू कर सकते हैं। फाइन, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सिक्स पॉइंट है आपका क्रशिंग बीक। क्रशिंग बीक बच्चों जो एक तरह से क्रश करके किसी चीज़ को, जैसे दाने वगैरह होते हैं, है ना, तो उसको आराम से चबा के पीस के खा सकते हैं, वो क्रशिंग बीक बच्चों होती है। स्पैरो, पीजन, क्रो एंड हैन, इस टाइप के जो बर्ड्स होते हैं बच्चों उनकी क्रशिंग बीक पाई जाती है, ठीक है। और ये किस तरह की होती है, ये भी, ये शॉर्ट होती है बट हार्ड होती है ना। इनकी बीक कैसी होती है, छोटी लेकिन हार्ड, टाइट होती है, मजबूत, ताकि इनको जब भी दाना वगैरह डाला जाता है जैसे, है ना, इनको खाने के लिए, तो आराम से इजी गोइंग ये उसको खा लेते हैं, उनको चबा के पीस के आराम से खा पाते हैं। फाइन, तो आपको ये इस तरह की सिक्स हमने बीक्स के बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट पेज भी देखेंगे बच्चों, कंजर पेज। नेक्स्ट पेज में इसमें दिया है बच्चों क्लॉज। अब हम क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपने बर्ड्स की बीक्स के बारे में सारा पढ़ा है, आपने बर्ड की बीक्स मतलब कितने टाइप्स की होती है, और सिक्स टाइप की होती है, और कौन कौन से बर्ड्स में कौन कौन सी बीक्स पाई जाती है, है ना, तो ये हमने अच्छे से रीड किया, स्टडी किया, आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आप इसको फिर से रीड करना और एक बार फिर से समझने की इनको कोशिश करना। फाइन, इस वाले वीडियो को मैं बच्चों यहीं ऑफ करती हूँ, स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लॉज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे मैं आपके साथ। फाइन, थैंक यू।